हेलो गाइस, आई एम संदीप झा फ्रॉम IIT BHU। गाइस, आज मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक इम्पोर्टेंट पार्ट आइसोमेरिज्म के सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसे 3 से 4 पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस, देखते हैं आइसोमेरिज्म क्या होती है। आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म इट इज बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। दो मॉलिक्यूल्स के बीच के रिलेशनशिप जो होते हैं आइसोमर्स होते हैं, वो आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, आइसोमर्स भी हो सकते हैं। तो हम बेसिकली आइडेंटिकल का आइडेंटिकल के क्या क्या चीज होते हैं, कंडीशन होते हैं, और आइसोमेरिज्म के क्या क्या कंडीशन होते हैं, उस पर आप डिस्कस करते हैं। कंडीशंस फॉर आइसोमर्स, फर्स्ट कंडीशन है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा तो ऑब्वियस है सेम मॉलिक्यूलर मास भी होंगे। तो इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है इसको देखते हैं। ये C2H5O C2H5, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है C2H5O C2H5, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। ये इथॉक्सी इथेन, ये यूपैक नेम, और ये C4H10O, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो एक्चुअली ये फॉर्मूले जो है ये सेम होने चाहिए किसी दो कंपाउंड। फर्स्ट कंडीशन सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब सेकंड कंडीशन को देखते हैं। दूसरा कंडीशन सेम डीयू का मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इसी का दूसरा नाम है इंडेक्स हाइड्रोजन या डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन। अब डीयू डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होते हैं इस पर बात करते हैं। ड्यू बेसिकली किसी कंपाउंड के ड्यू निकालने के लिए दो तरीके होते हैं। तो देखते हैं ड्यू, जब स्ट्रक्चर फॉर्मूला दिया है तो ड्यू निकालते हैं। जब स्ट्रक्चर फॉर्मूला दिया है तो उसमें हमको साफ साफ दिखते हैं कि कहाँ पर पाई बॉन्ड है, कहाँ पर रिंग्स हैं। तो इसलिए वहाँ पर हम इस फॉर्मूले के यूज करते हैं ड्यू इज टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। अगर जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है तो उसमें मुझे दिखाई नहीं पड़ता है कि कहाँ पर डबल बॉन्ड है, कहाँ पर रिंग्स हैं। तो इसके निकालने के लिए तो अलग फॉर्मूला लिखते हैं। तो जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो डी इज इक्वल टू 2n + 2 - m - s + z / 2। m क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन प्रेजेंट इन कंपाउंड। m क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ए कंपाउंड। x क्या है, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम इन ए कंपाउंड। तो मोनोवेलेंट एटम क्या होता है, जिसकी वैलेंसी एक हो। तो मोनोवेलेंट एटम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब मोनोवेलेंट एटम। z नंबर ऑफ ट्राइवेलेंट एटम्स, जिसकी वैलेंसी 3 हो उसको ट्राइवेलेंट एटम्स कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, इस ग्रुप नाइट्रोजन फैमिली के ग्रुप के जितने भी हैं सब ट्राइवेलेंट एटम्स हैं। तो अगर एक ड्यू का एक एग्जांपल लेके देखते हैं जो हमारे सेकंड कंडीशन फॉर आइसोमेरिज्म। एग्जांपल C4H6O, ये एक्चुअली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसमें हमको पता नहीं कितने डबल बॉन्ड हैं, कितने रिंग्स हैं। तो हम ड्यू कैसे निकालें, ड्यू निकालने का अपना पास फॉर्मूला है। ड्यू इज इक्वल टू 2n + 2 - m - s - z + z / 2। n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, 2 × 4 + 2 - m, हाइड्रोजन एटम 6। x मोनोवेलेंट एटम इसमें प्रेजेंट नहीं है तो 0। z ट्राइवेलेंट एटम, इस
कंपाउंड्स में प्रेजेंट नहीं है तो जीरो अपॉन ए टू। तो इसको सॉल्व करने के बाद आते हैं फोर बाई टू इस कंपाउंड की डी यू दो। इसमें क्या हो सकता है, एक रिंग या एक पाइपबॉन्ड, इसमें दो दो पाइपबॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड, कुछ भी हो सकते हैं, दो डी यू मतलब दो दो पाइपबॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड या एक एक पाइपबॉन्ड एक रिंग या दो रिंग ही हो जाए, कुछ भी हो सकता है। ये हमारे सेकंड कंडीशन फॉर आइसोमरिज्म। हमारा थर्ड कंडीशन है डिफरेंट स्पीसीज, मतलब सेम स्पीसीज नहीं होने चाहिए, सेम कंपाउंड्स नहीं होने चाहिए। ये तीन जो तीन कंडीशन मैंने डिस्कस किया है, फर्स्ट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो ऑब्वियस है कि सेम मॉलिक्यूलर मास भी होंगे, सेकंड कंडीशन सेम डी यू, थर्ड डिफरेंट स्पीसीज। ये तीन कंडीशन होते हैं आइसोमरिज्म के। अब देखते हैं कि आइडेंटिकल के लिए क्या कंडीशन होते हैं, तो अब डिस्कस करते हैं आइडेंटिकल के कंडीशन। कंडीशन फॉर आइडेंटिकल, फर्स्ट है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दूसरा सेम डीयू, तीसरा सेम स्पीसीज। कंडीशन फॉर आइडेंटिकल से कंडीशन फॉर आइसोमरिज्म, बस थर्ड बार डिफरेंट था, यहाँ पर डिफरेंट स्पीसीज था तो आइसोमरिज्म हो जाते हैं, सेम स्पीसीज होते तो आइडेंटिकल हो जाते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे डिवीजन ऑफ आइसोमरिज्म पर। हम डिस्कस करते हैं आइसोमरिज्म के डिवीजन। आइसोमरिज्म के एट फर्स्ट टू पार्ट में बांटा गया है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड स्टेरिक आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को फिर अगेन चार पार्ट में बांटा गया, चेन आइसोमर्स, पोजिशन आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स और मेटामर्स। इस पार्ट को आज डिस्कस करेंगे। और दूसरा पार्ट है स्टेरिक आइसोमर्स। स्टेरिक आइसोमर्स को दो पार्ट में बांटा गया, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। फिर कन्फिगरेशनल आइसोमर्स को ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स में डिवाइड किया गया। तो आज बेसिकली हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर आइसोमर्स। स्ट्रक्चर आइसोमर्स क्या है इस पर हम डिस्कस करते हैं आगे। स्ट्रक्चर आइसोमर्स इसके ये भी तीन कंडीशन है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम ड्यू, डिफरेंट स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर डिफरेंट होना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात। स्ट्रक्चर आइसोमर्स में क्या होते हैं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम ड्यू, सेम स्ट्रक्चर बट ओरिएंटेशन डिफरेंट। ओरिएंटेशन डिफरेंट होते हैं एटम या ग्रुप्स ऑफ एटम के इन ए स्पेस, उसको स्ट्रक्चर आइसोमर्स कहते हैं। बट इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं स्ट्रक्चर आइसोमर्स में। अब आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर्स। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर्स में फर्स्ट देते हैं चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स के तीन कंडीशन है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम ड्यू एंड पैरेंट चेन एंड साइड चेन आर डिफरेंट। पैरेंट चेन क्या होते हैं कि कोई भी कंपाउंड में कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन जो है वो पैरेंट चेन कहलाता है। जैसे ये एक कंपाउंड है, अब इसमें पैरेंट चेन कौन होगा, कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन, कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन ये है, तो ये क्या है पैरेंट चेन। और ये साइड चेन। तो बेसिकली चेन आइसोमर्स में पैरेंट चेन और साइड चेन इस ये दो डिफरेंट हो तो चेन आइसोमर्स होंगे। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ये पेंटेन है, ये पेंटेन का ये दूसरा, ये इसमें पैरेंट चेन कौन है, ये फाइव स्टेट चेन, ये पैरेंट चेन है। अब दूसरा बनाए टू मिथाइल ब्यूटेन, इसमें पैरेंट चेन ये, दोनों का पैरेंट चेन डिफरेंट है, मतलब ये चेन आइसोमर्स। और ये टू मिथाइल ब्यूटेन एंड वन टू टू डाइमिथाइल प्रोपेन,
ये दोनों भी चेन आइसोमर्सिज्म। कैसे? इसके इसके पैरेंट चेन में चार कार्बन है, इसके पैरेंट चेन ये सी है, दोनों के पैरेंट चेन डिफरेंट है, साइड चेन डिफरेंट है, तो ये दोनों भी आपस में चेन आइसोमर्स। एंड फर्स्ट एंड थर्ड ये दोनों भी चेन आइसोमर्स हैं, क्योंकि इसके पैरेंट चेन पांच कार्बन के, इसके पैरेंट चेन तीन कार्बन के, इसमें दो साइड चेन भी, तो ये भी चेन आइसोमर्स। तो इसमें चेन आइसोमर्स में देखिएगा पैरेंट चेन डिफरेंट हो रहा है और साइड चेन डिफरेंट हो रहा है, तो वो चेन आइसोमर्स होंगे। एंड सब बेसिकली बात है कि सबकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है एंड सबकी ड्यू भी सेम है, सबकी ड्यू जीरो है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सी, सबके पांच कार्बन है, सबमें पांच कार्बन, तो ये चेन आइसोमर्स है। इसमें एक चीज बेसिकली ध्यान रखनी होती है कि नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप रिमेंस सेम, फंक्शनल ग्रुप का नेचर कभी डिफरेंट नहीं होना चाहिए, और डिफरेंट हो गए तो फंक्शनल आइसोमर्स कहा जाएंगे, चेन आइसोमर्स नहीं कहेंगे। उसका भी मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप रिमेंस सेम होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप का नेचर चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे हम एग्जांपल दिए 1,3-butadiene, इसमें क्या है, दो डबल बॉन्ड, मतलब ड्यू एक्चुअली ड्यू दो है, अब नीचे कंपाउंड है और इसके पैरेंट चेन चार कार्बन के स्ट्रेट चेन, अब नीचे यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर भी ड्यू दो और इसके पैरेंट चेन तीन कार्बन के। तो सबसे बड़ी गलती यही होती है कि बच्चे देखते हैं कि पैरेंट चेन डिफरेंट हो गए तो ये चेन आइसोमर्स, बट नहीं, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर दो डबल बॉन्ड है, यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप का नेचर चेंज हो गया तो ये चेन आइसोमर्स नहीं है, ये चेन आइसोमर्स चेन आइसोमर्स नहीं है, ये दोनों फंक्शनल आइसोमर्स हो जाएंगे। तो एक्चुअली इसमें देखेगा कि नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, वो चेंज हो जाएगा तो वो फंक्शनल आइसोमर्स हो जाएंगे। अगर रिमेंस सेम, इसमें भी दो बॉन्ड रहता तो दो डबल बॉन्ड होते तो ये भी चेन आइसोमर्स हो जाते हैं। तो ये नोट ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे बार बार गलतियाँ होती हैं, इसको इस नोट को बहुत अच्छे ढंग से एनालाइज करने की जरूरत है, क्योंकि चेन पैरेंट चेन चेंज हो गए बट फंक्शनल ग्रुप की प्रॉपर्टीज या नेचर सेम होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। तो चेन आइसोमर्स यही थे, हम नेक्स्ट देखते हैं पोजिशन आइसोमर्स। दूसरा टाइप है पोजिशन आइसोमर्स, इसके भी सेम कंडीशन, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम डीम, पोजिशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और मल्टीपल बॉन्ड्स और फंक्शनल ग्रुप आर डिफरेंट, मतलब एक्चुअली जो पोजिशन है उसको मल्टीपल बॉन्ड का डिफरेंट होना चाहिए और फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंट होना चाहिए, या सब्स्टिट्यूएंट जो ब्रांच्ड हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन होने चाहिए। तो इसमें दो बातों को ध्यान में रखनी है, एक नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप रिमेंस सेम होने चाहिए, दूसरा पैरेंट चेन और साइड चेन रिमेंस सेम होने चाहिए, वो दोनों चेन नहीं होने चाहिए। एग्जाम्पल 2-methylpentane और 3-methylpentane, इसमें क्या है, पैरेंट चेन सेम है, पैरेंट चेन सेम है, और ये सब्स्टिट्यूएंट जो ये CH3 जो सब्स्टिट्यूएंट है वो उसके पोजीशन चेंज हुए, पहले 2 पर लगा हुआ था अब 3 पर लग गया, मतलब पोजीशन चेंज हो गए और पैरेंट चेन रिमेंस सेम है, फंक्शनल ग्रुप इसमें है ही नहीं, फंक्शनल ग्रुप वो भी सेम होनी चाहिए, तो ये दोनों क्या है, आपस में चेन आइसोमर्स है। दो पॉइंट याद रखने कि नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप रिमेंस सेम एंड पैरेंट चेन एंड साइड चेन दोनों सेम होने चाहिए, डिफरेंट नहीं होने चाहिए, ये दो कंडीशन याद रखने। यहाँ पे बार बार बच्चों की गलती होती है, फर्स्ट आइसोमर के जगह पर पोजिशन आइसोमर्स लिख देते हैं, चेन आइसोमर्स की जगह पर पोजिशन आइसोमर्स लिख देते हैं, तो
इस दो पॉइंट को याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर्स फंक्शनल आइसोमर्स। इसमें भी सेम बात, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होनी चाहिए, सेम डी होना चाहिए, और थर्ड पॉइंट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। ये थर्ड कंडीशन, फर्स्ट दो कंडीशन सभी आइसोमर्स के सेम रहेंगे, थर्ड कंडीशन बारह चेंज होते रहते, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। इसका एग्जांपल देख सकते हैं, अगर जहां पर डबल बॉन्ड है उसको मैं एक रिंग से रिप्लेस कर दूं, ड्यू सेम है बट फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएंगे, तो ये फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। जैसे एग्जांपल दिया सी सी डबल बॉन्ड सी, ये है प्रोपेन है, इसको मैं साइक्लोप्रोपेन से चेंज कर दिया। इसके ड्यू भी एक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है और ड्यू भी सेम है बट फंक्शनल ग्रुप चेंज है। इसका अलग नाम भी है रिंग चेन आइसोमर्स भी इसको कहते हैं। इसे रिंग चेन में आइसोमर्स भी कहते हैं और फंक्शनल आइसोमर्स भी कहते हैं। तो और देखते हैं फंक्शनल आइसोमर्स के आगे डिस्कस करते हैं। एग्जांपल CH3CH2OH इथेनॉल और CH3OCH3 मिथॉक्सीमीथेन, इस दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ड्यू दोनों में जीरो है बट दोनों अलग फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्कोहल है, ये ईथर है, तो ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर्स हुए। इसी तरह से अल्कोहल ईथर हो गया, 1 डिग्री अमाइन 2 डिग्री अमाइन, ये दोनों भी आपस में फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। ईस्टर एंड एसिड्स, ये दोनों भी फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। चलिए देखते हैं एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल ये फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये फंक्शनल ग्रुप ईस्टर। अब देखें इस दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ड्यू भी दोनों का सेम है बट दोनों का फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो ये फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। इसी तरह 1 डिग्री अमाइन 2 डिग्री अमाइन 3 डिग्री अमाइन आपस में फंक्शनल आइसोमर्स हो सकते हैं। तो इस मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ड्यू होने चाहिए बट फंक्शनल ग्रुप चेंज होने चाहिए, नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाए तो मेरा फंक्शनल आइसोमर्स है। ठीक, अब मैं टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर्स के चौथे पार्ट पर जाता हूँ, मेटामर्स। चौथा टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर्स देखते हैं, मेटामर्स। इसमें भी बेसिक सी बात, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ड्यू। थर्ड पॉइंट, फंक्शनल ग्रुप कंटेन पॉलीवेलेंट एटम इन विच नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑन बोथ साइड्स आर डिफरेंट। इसका मतलब पॉलीवेलेंट एटम का मतलब है कि जिसके एक से ज्यादा वैलेंसी हो उसको पॉलीवेलेंट एटम कहते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप में पॉलीवेलेंट एटम होना चाहिए और उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड नंबर ऑफ कार्बन चेन जो होना चाहिए वो डिफरेंट होने चाहिए, तो उसी को हम मेटामर्स कहते हैं। चलिए हम एग्जांपल के थ्रू और अच्छे से समझते हैं। एग्जांपल इथॉक्सी इथेन और मिथॉक्सी प्रोपेन, ये एक्चुअली ये फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, पॉलीवेलेंट एटम है, इसके ऑक्सीजन की वैलेंसी दो होते हैं। इसके लेफ्ट साइड एक कार्बन, इसके राइट साइड तीन कार्बन है। अब इस पॉलीवेलेंट एटम के इस साइड दो कार्बन चेन, इसके दो कार्बन चेन, तो फंक्शनल ग्रुप के राइट साइड और राइट साइड लेफ्ट साइड और देखें तो दोनों साइड डिफरेंट कार्बन चेन है, यहाँ पे दो दो हैं, यहाँ पे एक और तीन डिफरेंट है, इसी को मेटामर्स कहते हैं। इसमें भी नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप सेम है, इसमें ईथर है, तो नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप सब में सेम आते हैं, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल आइसोमर्स में चेंज होते हैं। तो ये हुए मेटामर्स।
तो अब देखते हैं एक दो एग्जांपल देते हैं उसके रिलेशनशिप के बारे में जानते हैं। तो क्या है कि इस दो कंपाउंड में रिलेशनशिप बताने हैं, ये दो दो कंपाउंड स्ट्रक्चर आइसोमर्स हैं, ये पता चल स्ट्रक्चर आइसोमर्स में कौन से स्ट्रक्चर आइसोमर्स हैं इसको पता करना है। तो देखते हैं अपने समय स्ट्रक्चर आइसोमर्स चार टाइप पर हैं, चेन आइसोमर्स, पोजिशनल आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स एंड मेटावर्स। तो देखते हैं कौन से, तो एक फंक्शनल आइसोमर्स देखते हैं, ये टूट गई हमारी, ये 3D के हमारी दोनों के नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट दिख रहे हैं। तो ये क्या हुआ, फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। किसी को कंफ्यूजन हो रहा हो कि ये मेटावर्स क्यों नहीं, ये तो ये एक फंक्शनल ग्रुप है, तो मेटावर्स इधर डिफरेंट कार्बन चेन है, इधर भी डिफरेंट कार्बन चेन है, इधर भी डिफरेंट कार्बन चेन है, इधर भी डिफरेंट कार्बन चेन है, तो ये मेटावर्स क्यों नहीं। एक्चुअली इसमें नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जा रहा है, तो नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप जहां पर चेंज हो वो फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। तो ये दोनों बेसिकली फंक्शनल आइसोमर्स हैं, नॉट मेटावर्स। ये कंफ्यूजन को दूर हमेशा दूर रखना है, नेचर ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप रिमेन सेम रहते हैं मेटावर्स में, चेन आइसोमर्स में और पोजिशनल आइसोमर्स में, और नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होते हैं सिर्फ फंक्शनल आइसोमर्स। यहाँ पर नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होंगे इसीलिए फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। ये नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ब्यूटेन ब्यूट 1E और साइक्लो ब्यूटेन, ये दोनों में आपस में रिलेशनशिप कौन सा, ये दोनों आपस में कौन सा आइसोमर्स है इसको देखते हैं। इसमें ड्यू सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ड्यू इसमें एक है ड्यू वन, इसमें ड्यू वन, ड्यू सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ये दोनों आइसोमर्स है, ये तो पता चल गया। अब इन दोनों कौन सा आइसोमर्स है इसका डिस्कशन करते हैं। इसमें डबल बॉन्ड्स है, इसमें रिंग्स है, इसमें नेचर्स ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स फंक्शनल ग्रुप नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गए, तो ये दोनों क्या है फंक्शनल आइसोमर्स। ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर्स। तो मैंने टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर्स देखी है, अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्टेप, काउंटिंग ऑफ आइसोमर्स, मतलब स्ट्रक्चर आइसोमर्स कोई कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स फॉर्मूला दे दिए उसके स्ट्रक्चर आइसोमर्स कहें, कितने स्ट्रक्चर आइसोमर्स बनेंगे तो उसको काउंटिंग कैसे करेंगे इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखते हैं काउंटिंग ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर्स, यह मुझे मॉलिक्यूल फॉर्मूला दे दिया गया C4H10, इसके पूछा गया कि कितने स्ट्रक्चर आइसोमर्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले मेरा स्टेप होगा इसका ड्यू निकालेंगे, ड्यू निकालते हैं फॉर्मूले से 2 × नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ एच एटम 10, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम 0, नंबर ऑफ ट्राईवैलेंट एटम 0 अपॉन 2। यहां पर ड्यू 0 है, मतलब मींस इसमें एक भी डबल बॉन्ड्स नहीं है, एक भी रिंग्स नहीं है, सिर्फ स्टेट चेन सिर्फ अल्केन चेन बनेंगे। तो देखते हैं चार कार्बन का ये ऐसा चिन्ह हो सकता है, चार कार्बन का ऐसा चिन्ह हो सकता है, और कोई चार कार्बन का दूसरा चिन्ह हो सकता है इसमें डबल बॉन्ड ना हो सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो। तो अब तो नहीं रहता कि इस दो का अलावा और कोई भी स्ट्रक्चर हो, इसलिए सिर्फ वो H10 के टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर्स 2 देखते हैं। और दूसरा एग्जांपल देखते हैं, अगर यहाँ पर ड्यू 2 आ जाए तो नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, जब ड्यू 2 आ जाए तो उसके एग्जांपल्स उसको कैसे स्ट्रक्चर आइसोमर्स ड्रॉ करते हैं, कितने आइसोमर्स होते हैं इसके बारे में आगे
एग्जांपल नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं C4H6 इसके टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर एसोमर्स कितने होंगे ये सबसे पहले डीओ निकालेंगे डीओ इक्वल टू 2 इनटू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ एच एटम 6 माइनस नंबर ऑफ मोल वाले एटम 0 प्लस नंबर ऑफ ट्राइवेलेंट एटम 0 अपॉन 2 तो इसके डीओ आए 2 डीओ 2 आए मतलब इसके दो टू डबल बॉन्ड बोल सकते हैं एक डबल बॉन्ड प्लस एक रिंग हो सकते हैं ड्यू दो है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है दो डबल बॉन्ड हो एक डबल बॉन्ड एक रिंग हो दो रिंग हो या एक ट्रिपल बॉन्ड हो हमारे जो कंपाउंड्स बनाएंगे उसमें से दो डबल बॉन्ड्स आ जाए उस कंपाउंड में या एक एक डबल बॉन्ड एक रिंग आ जाए या दो रिंग आ जाए या एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वो कंपाउंड हमारे डी को सेटिस्फाई करेंगे तो देखते हैं कि अब अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसके बाद काउंटिंग करेंगे कि कितने C4H6 कितने स्ट्रक्चर आइसोमर्स हुए तो अपन ने इस क्वेश्चन में देखा था कि चार केस बने थे ड्यू दो है तो चार केस बनेंगे दो रिंग हो जाए तब भी ड्यू दो डबल बॉन्ड हो जाए तब भी ड्यू दो एक ट्रिपल बॉन्ड हो जाए तब भी ड्यू दो एक रिंग और एक डबल बॉन्ड हो जाए तब भी ड्यू दो तो देखते हैं C4H6 कितने स्ट्रक्चर बनेंगे टू रिंग बन जाए तो एक स्ट्रक्चर पॉसिबल है ये इस एक आइसोमर्स हो गए जब दो डबल बॉन्ड हो तो कौन कौन से स्ट्रक्चर पॉसिबल है दो डबल बॉन्ड हो जाए वन और थर्ड पोजीशन पर डबल बॉन्ड हो जाए या वन और टू पर डबल बॉन्ड हो जाए या ये स्ट्रक्चर बन जाए एक सबचेन चल जाए दो कंटीन्यूअस डबल बॉन्ड हो जाए क्या दो तीन चार और जब ट्रिपल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड हो जाए तब भी डी दो हो जाएगा तो इसे ये दो स्ट्रक्चर बनेंगे तो ये छः चार पाँच छः जब एक रिंग और एक डबल बॉन्ड हो जाए तो ये स्ट्रक्चर ये सात आठ और नौ तो C4H6 के कितने टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर ऐसा मास होंगे नौ नाइन तो आपने देखे कैसे निकाले पहले ड्यू निकाले ड्यू के बेस पर ड्यू जितने भी आए तो उस क्या क्या केस हो सकते हैं उस केस में क्या स्ट्रक्चर हो सकते हैं ये आपकी सोच आपकी थिंकिंग पावर पर डिपेंड करेगी कि दो रिंग है तो कैसे स्ट्रक्चर बन सकते हैं दो डबल बॉन्ड हो तो कैसे कैसे स्ट्रक्चर बन सकते हैं एक ट्रिपल बॉन्ड हो तो कैसे स्ट्रक्चर बन सकते हैं और एक रिंग एक डबल बॉन्ड हो तो कैसे स्ट्रक्चर बन सकते हैं ये आपने केस डिवाइड कर दिया और बना दिया और टोटल का काउंट कर दिया तो C4H6 के टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर है समझ 9 इस वे से करने में कोई गलतियां नहीं होती है इजी वे से प्रॉब्लम सॉल्व होती है आज ने देखा स्ट्रक्चर आइसोमर्स टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर्स देखिए अब हम काउंटिंग ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर्स में भी देखा अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे स्टीरियो आइसोमर्स के भी में भी स्पेसिफिक पार्ट ज्योमेट्री का आइसोमर्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ओके तब तक थैंक यू बाय बाय